Shapoorji Palonji Engineering and Construction 150 सालों से निर्माण की एक जानी मानी कंपनी है। अपने कार्य के इस विरासत को बनाए रखने के लिए शापुरजी पालनजी ऐसे ट्रेनिंग वीडियोस के द्वारा कामगारों को काम करने के सटीक एवं सुरक्षित निर्माण के बारे में सूचित करता है, ताकि संपूर्ण सुरक्षा के साथ काम हो और अच्छी क्वालिटी प्राप्त हो सके। दोस्तों, दीवारों पर परत या आवरण निर्माण करने की प्रक्रिया को वॉल क्लैडिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया में हम अलग अलग प्रकार के पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कोटा, मार्बल और ग्रेनाइट काफ़ी प्रचलित है। पत्थर के उपयोग से दीवार की सतह को एक बेहतर फिनिशिंग तो मिलती ही है, साथ ही साथ मजबूत और टिकाऊ भी बनती है। तो आइए देखते हैं सीमेंट मसाला और ग्रेनाइट पत्थर से वॉल क्लैडिंग करने का वीडियो और सीखते हैं वॉल क्लैडिंग करने का उचित कौशल। दोस्तों, आप सभी का आत्मविश्वास कितना ही प्रबल क्यों ना हो या आपके काम करने का तजुर्बा कितना ही पुराना क्यों ना हो, कंस्ट्रक्शन साइट पर होने वाले हादसों में ये जरूरी नहीं है कि गलती आप ही की हो। इसलिए साइट पर अपना पीपी जरूर पहने हमेशा। क्वालिटी टॉक के माध्यम से कामगारों को निर्माण के अलग अलग कार्य को उचित गुणवत्ता के साथ करने की प्रक्रियाओं के बारे में सूचित किया जाता है। इसमें ये भी बताया जाता है कि कोई भी विशेष कार्य करने के दौरान कामगारों को किस विषयों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि कार्य में गलतियां कम हों। दोस्तों, क्लैडिंग के तरीके दो प्रकार के होते हैं, ड्राई यानी सूखा और वेट यानी गीला। ड्राई क्लैडिंग में जब दीवार पर स्टील ब्रैकेट के सहारे पत्थरों को लगाया जाता है, वही सीमेंट मसाला या एडहेसिव से पत्थर लगाने को वेट क्लैडिंग कहते हैं। इस वीडियो में वेट क्लैडिंग के तरीके दिखाए गए हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि क्लैडिंग से जुड़ी मूल सामग्री जैसे ग्रेनाइट, सीमेंट और बालू को कैसे रखा जाता है और उनका स्थानांतर कैसे किया जाता है। क्योंकि ग्रेनाइट एक प्राकृतिक पत्थर है, इसलिए बड़े आकार के स्लैब्स में मिलते हैं, जो कि वजन में भारी होते हैं। ग्रेनाइट पत्थर को दिखाए गए तरीके से हमेशा मजबूत सपोर्ट के ऊपर खड़े दिशा में जमीन से कुछ ऊंचाई पर रखें। वजन ज्यादा होने की वजह से ग्रेनाइट पत्थर का स्थानांतर सावधानी से करें। इसमें उचित सुरक्षा विधियों का पालन अवश्य करें। हर सीमेंट की बैग 50 किलो वजन की होती है, इसलिए उन्हें सुरक्षित तरीके से उठाकर दूसरी जगह ले जाएं। सीमेंट बैग्स के ढेर हमेशा एक ऊंची प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाएं, जो जमीन से 150 या 200 मिलीमीटर और दीवार से 600 मिलीमीटर दूर हों। सीमेंट बैग्स के ढेर कभी भी टेढ़ी या अधिक ऊंचाई के नहीं होने चाहिए। सीमेंट को हमेशा सूखी स्थानों में अच्छी तरह से ढक कर रखें और ध्यान दें कि वहां पर पानी आने की संभावना ना हो। सीमेंट बैग्स को बिना ढके खुले स्थानों पर या जमीन के ऊपर नहीं रखने चाहिए। रेत या बालू को हमेशा छान कर उपयोग करें। समय समय पर पत्थरों को छन्नी से निकाल दें, ताकि काम करने में सुविधा हो। छान कर रखे हुए रेत को हमेशा बोरियों में भरें। उपयोग होने वाले सामग्रियों को दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हमेशा ठेला गाड़ियों का उपयोग करें। निर्माण कार्यस्थल पर हमेशा सचेत रहे, अन्यथा खतरा होने की संभावना है। ग्रेनाइट फ्लोरिंग कार्य में हम दिखाए गए औजारों का उपयोग करेंगे। क्लैडिंग होने वाले दीवार चिनाई की कम से कम 7 दिन तक तराई होनी चाहिए। दीवार सतह पर लगा हुआ सूखा सीमेंट मसाला, धूल, मिट्टी आदि को पहले से घिसकर साफ कर ले।
दीवार में ब्लॉक या ईंट के चिनाई हो तो कम से कम 10 मिलीमीटर गहराई की रेकिंग होनी चाहिए। स्पिरिट लेवल के उपयोग कर दीवार की खड़ी संरेखन जांच लें। सतह में गलतियां पाए जाने पर उसे ठीक करें। सतह को 24 घंटे पहले ही पानी से पूरी तरह से गीला कर लें ताकि क्लैडिंग के मसाले से पानी ना सोख ले। सीमेंट मसाले को हाथ अथवा मशीन दोनों तरीकों से मिलाया जा सकता है, क्योंकि मशीन से मिलाने पर मसाला जल्दी और अच्छी बनती है। इसलिए वीडियो पर हम मशीन का उपयोग कर सीमेंट मसाला बनाएंगे। मिश्रण के शुरू से ही मशीन को चालू रखें। बंद अवस्था में बालू या सीमेंट ना डालें। मशीन को उसके क्षमता से ज्यादा ना भरें, इससे मशीन खराब हो सकती है। मसाला बनाने के लिए सीमेंट और बालू का आयतन को हमेशा मापनी बक्श या फार्मा से माप लें। एक फार्मा का वॉल्यूम एक सीमेंट बैग के समान यानी 1.25 क्यूबिक फीट या 35 लीटर होती है। क्योंकि हम हाफ बैग मिक्सर मशीन से 1/4 के मात्रा में मसाला बना रहे हैं, इसलिए आधा बैग सीमेंट के साथ 2 फार्मा बालू मिलाएंगे। तो मिक्सिंग के शुरू में मशीन में पानी डालें ताकि उसकी अंदरूनी सतह गीली हो जाए। अभी दिखाए गए तरीके से निर्दिष्ट फार्मा से बालू को माप लें। बालू फार्मा के बिल्कुल ऊपर तक समान होकर भरना चाहिए। इस दौरान अनावश्यक पदार्थों को निकाल दें ताकि वो मसाले में ना मिल पाए। अभी बालू और उसके बाद सीमेंट को मशीन में डालें जहां पहले से ही पानी मौजूद है। ध्यान रखें, इस दौरान बालू या सीमेंट मशीन के बाहर नहीं गिरना चाहिए। अभी मसाले की अपेक्षित घनापन या कंसिस्टेंसी के अनुसार उनमें पानी मिलाएं। ध्यान रखें, अतिरिक्त पानी मसाले की मजबूती के लिए हानिकारक है। डाले हुए सामग्रियों को कम से कम 5 मिनट तक मिलने दें। कार्य के दौरान गिरे हुए सामग्रियों को वापस बोरी में भर लें। मसाले निकालने के लिए हमेशा धोए हुए साफ ट्रे का उपयोग करें। इसमें गंदे ट्रे का उपयोग ना करें। एक बार में उतना ही मसाला बनाएं जो कि 30 से 40 मिनट में उपयोग हो सके। मसाला निकालने के बाद मशीन को साफ करके ही कार्य का अंत करें। तैयार मसाले को साफ किए गए ठेला गाड़ी से दूसरे स्थान पर ले जाएं। आमतौर पर ग्रेनाइट पत्थर को उसके रंग या उत्पत्ति स्थान के अनुसार जाना जाता है। ग्रेनाइट अलग अलग मोटाई में मिलने के कारण उपलब्ध ड्राइंग के अनुसार पत्थर की मोटाई माप लें। इसमें निर्दिष्ट माप से 1 मिलीमीटर तक हेर फेर चल सकता है। प्राकृतिक तत्व होने के वजह से ग्रेनाइट स्लैब में फिशर या बिदर रह सकता है, जो देखने में दरार जैसा है, पर यह ग्रेनाइट की प्राकृतिक लक्षण है। फिशर ग्रेनाइट की वेन बराबर होती है, लेकिन क्रैक या दरार कोई भी दिशा में हो सकता है, जो कि पत्थर टूटने का निशानी है। उपयोग होने वाले ग्रेनाइट पत्थर में दरार या क्रैक नहीं रहना चाहिए। ग्रेनाइट स्लैब में कैविटी या छेद भी नहीं रहना चाहिए। ग्रेनाइट में स्थायी रूप से स्टेन्स या धब्बे मौजूद हो तो उसे कार्य में उपयोग ना करें। अच्छे क्वालिटी के ग्रेनाइट के रंग और पैटर्न में एक यूनिफॉर्मिटी या संगति रहती है। हालांकि प्राकृतिक कारणों की वजह से ग्रेनाइट के ग्रेन साइज, रंग और पैटर्न में अंतर आना स्वाभाविक है।
पत्थर उपयोग करने के दौरान इस विषयों पर ध्यान दें। ग्रेनाइट पत्थरों में रंग का अंतर होने से उसे एक जगह पर ना बिठाएं। कार्यस्थल में उपलब्ध नक्शे के अनुसार ग्रेनाइट काटने के साइज और लगाने के जगह निर्धारित होते हैं। ग्रेनाइट काटने में वैद्युतिक आरी उपयोग होता है, इसलिए पत्थरों को जमीन से थोड़ा ऊंचाई में रखकर काटें। इसमें बैटन या बालू से बनाई गई अस्थाई प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। पहले ग्रेनाइट स्लैब के स्वाभाविक अनियमित धार को काट के एक सीधा किनारा प्राप्त करें। अब स्लैब के सीधा किनारा से उचित माप लेकर स्टील पट्टी को सही जगह पर ले आएं। कटिंग में उपयोग होने वाले क्लैंप से अब स्टील पट्टी को पक्की तरह से पत्थर में लगा लें। वैद्युतिक आरी का उपयोग से लगाए हुए स्टील पट्टी का सहारा लेकर अब स्लैब के एक तरफ से दूसरी तरफ काटना शुरू करें। इस दौरान आरी में निरंतर पानी आ रहा हो इस बात का ध्यान रखें। वैद्युतिक आरी या पावर सॉ उपयोग करते समय जरूरी पीपीई अवश्य पहने और विशेष सावधानी बरतें। ग्रेनाइट कटिंग हो जाने के बाद पत्थरों को सही जगह पर सही तरीके से स्टैक कर कर रखें। दोस्तों, कार्य में निर्देश के अनुसार दीवार सतह पर रखे दो पत्थर के जॉइंट में किनारे को अलग अलग आकार देना पड़ सकता है, जिसे प्रोफाइलिंग कहते हैं। इस वीडियो में हम ग्रेनाइट के किनारे दिखाए गए आकार बनाएंगे, जिसे चैम्फर प्रोफाइल कहते हैं। प्रोफाइलिंग के लिए पहले दिखाए गए तरीके से क्लैडिंग जॉइंट के गहराई के अनुसार पत्थर के साइड और ऊपर के सतह में मार्किंग कर लें, जो कि यहाँ 8 मिलीमीटर है। दोनों मार्किंग बराबर ग्राइंडर के सहारे घिसकर पत्थर किनारे में 45 डिग्री कोण बनाएं। प्रोफाइलिंग करने के लिए पत्थर सतह को पहले घिसकर एक आकार और फिर फिनिशिंग पॉलिश देना पड़ सकता है। इस कार्य में अलग अलग तरह के ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग होता है। अब दिखाए गए तरीके से ग्राइंडिंग व्हील के सहारे पहले किए गए आकार को फिनिशिंग दें और जरूरी प्रोफाइल प्राप्त करें। प्रोफाइलिंग होने के बाद पत्थर किनारे को साफ कर ले। कार्यस्थल में उपलब्ध नक्शे के अनुसार दीवार के क्लैडिंग कार्य किए जाते हैं। यहाँ उपयोग किए गए ग्रेनाइट पत्थर की साइज 2.5 मीटर बाय 800 मिलीमीटर और मोटाई 20 मिलीमीटर है। इस वीडियो में हम ड्राइंग के अनुसार फर्श पर बिठाए गए पत्थर किनारे से माप कर क्लैडिंग के पत्थर लगाएंगे। पहले दिखाए गए तरीके से फर्श पर लगे पत्थर सतह में मार्किंग कर लें। क्लैडिंग होने वाले दीवार सतह को गीला कर लें। क्लैडिंग पर लगाए गए पत्थर की संरेखन बनाए रखने के लिए दिखाए गए आकार में दूसरे पत्थर काट लें, जो सपोर्ट के काम करेंगे। अब फर्श पर किए गए मार्किंग के अनुसार क्लैडिंग के पत्थर बिठाएं और टेप से माप कर उसकी लाइन और स्पिरिट लेवल से खड़ी संरेखन की जांच करें। इस दौरान सपोर्ट के पत्थर लगाएं और क्लैडिंग के संरेखन अनुसार सपोर्ट को एडजस्ट करें। क्लैडिंग के ग्रेनाइट सही रूप से बैठ जाने पर सपोर्ट और क्लैडिंग को अपनी जगह पर लॉक कर दें,
ताकि वो हिले ना। लॉक करने के लिए जिप्सम पेस्ट या मेटल पेस्ट का उपयोग किया जा सकता है। लॉक कर देने के बाद कुछ देर के लिए क्लैडिंग को छोड़ दें, जब तक वो सेट ना हो जाए। अब दीवार के दूसरे तरफ यानी लगे हुए क्लैडिंग पत्थर के साथ समकोण में लगने वाले पत्थर के किनारे में दिखाए गए तरीके से खांचा बना ले। खांचा बराबर पत्थर को काट देने से दिखाए गए प्रोफाइल मिलेंगे, जो दीवार के कॉर्नर जॉइंट की रूप देगा। अब पहले लगाए गए क्लैडिंग के साइड बराबर मेटल पेस्ट लगाएं, जो कि एक अच्छी गोंद है। खांचा बनाए हुए किनारे को अब गोंद लगाए हुए किनारे के साथ चिपका दे। इस दौरान ट्राई स्क्वायर से समकोण की जांच करें, क्योंकि इस क्लैडिंग जॉइंट की गहराई 8 मिलीमीटर है, इसलिए हम 8 मिलीमीटर मोटाई की पत्थर टुकड़े को जॉइंट बराबर रखकर जरूरी गहराई बनाते हुए दूसरी क्लैडिंग लगाएंगे। इस दौरान लगाए जा रहे पत्थर क्लैडिंग के पोजीशन एडजस्ट करना पड़ सकता है। क्लैडिंग सही पोजीशन में आने से एक बार संरेखण जांच लें और सपोर्ट से दीवार के साथ लॉक कर लें। अब दीवार और क्लैडिंग के अंतर को 1/4 के मात्रा के सीमेंट मसाले से ऊपर से 50 मिलीमीटर छोड़कर भर दें। सीमेंट मसाला एक बार में पूरा ना भरे, उसे लेयर में भरे। मसाला सेट होने पर अब सपोर्ट को निकाल दें और लगे क्लैडिंग की सफाई कर लें। दूसरे क्लैडिंग के पत्थर लगाने के पहले लगे पत्थर के किनारे को ग्राइंडिंग कर ले तो किनारे समान हो जाएंगे। अब दिखाए गए तरीके से क्लैडिंग के दूसरे पत्थर बिठाएं। इस दौरान सावधानी बरतें। पत्थरों की जॉइंट बराबर एक समान सतह की पत्थर घिसकर दोनों पत्थरों की आपसी संरेखण जांच लें और लगाए जा रहे पत्थर को एडजस्ट करें। स्पिरिट लेवल से फिर से खड़ी संरेखण और सतह की समानता को जांच लें और पहले बताए गए तरीके से क्लैडिंग कार्य करते रहें। दोस्तों, क्लैडिंग कार्य खत्म हो जाने के बाद जॉइंट्स बराबर सिक्का घिस के जॉइंट की संगति या यूनिफॉर्मिटी जांच लें। कोई अंतर मिले तो निर्दिष्ट तरीके से उसे ठीक करें। कार्य खत्म हो जाने के 24 घंटे बाद सही तरीके से क्लैडिंग सतह को साफ करें। दोस्तों, कार्यस्थल पर जमा हुए कचरे को सही तरीके से साफ करके उसे निर्धारित स्थान पर फेंकने की जिम्मेदारी आपकी है। दोस्तों, एक बहुत ही जरूरी बात, आपके कार्य की गुणवत्ता काफी हद तक आपके औजारों पर निर्भर होती है, इसलिए कार्य के अंत में औजारों को अच्छे से साफ करके उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखने की जिम्मेदारी आपकी है।
दोस्तों, इस वीडियो के दौरान हमने आपको बताया कि वॉल क्लैडिंग करने की सही प्रक्रियाएं क्या होती है, और हमने आपको यह भी बताया कि इस कार्य के दौरान आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। दिखाई गई सभी प्रक्रियाएं वॉल क्लैडिंग की अच्छी क्वालिटी के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इन सभी प्रक्रियाओं को आप कार्यस्थल पर सही उपयोग करेंगे। गुणवत्ता अपनाइए, सुरक्षित रहिए।